गोविंदनगर सरस्वती ग्रामोदय विद्यालय के छात्र छात्रावास में रहकर पढ़ाई करता था, जिसकी मौत हो गई है, तो वहीं मौत को दुर्भाग्यपूर्ण बतलाया गया है। तो साथ में यह भी मांग की गई है कि निष्पक्ष और बिना राजनीतिक दबाव के जांच होनी चाहिए। वन क्षेत्र के क्षेत्रवासियों ने एसपी के नाम ज्ञापन बनखेड़ी के तहसीलदार सुनील कुमार वर्मा और थाना प्रभारी एसएल झारिया को सौंपा है। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए हैं, तो भूपेंद्र सिंह और शिवदयाल चौधरी के नेतृत्व में यह ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें इसके पहले दिव्यांग आत्मा की शांति हेतु 2 मिनट का मौन धारण किया गया और उसके बाद ज्ञापन सौंपा गया है। राजनीतिक दबाव में लगाए गए पुलिसी आरोप, उन पर भी निष्पक्ष जांच की मांग के साथ ये सादर प्रस्तुत है। उसकी दुखद मृत्यु हुई है, उसके प्रति आज हमने श्रद्धांजलि सभा रखी और हम निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं। जिस तरह से बिना किसी जांच के राजनीतिक दबाव से निराधार आरोप, अनर्गल आरोप लगाए गए, उस संबंध में हम उस पुलिस प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए ये ज्ञापन आपको सौंपते हैं। विषय है छात्र शिवाजी पटेल की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु की निष्पक्ष और बिना राजनीतिक दबाव के जांच करने बाबत। महोदय, हम सभी ज्ञापनदाता बनखड़ी क्षेत्र के निवासी हैं। गोविंद नगर सरस्वती ग्रामोदय विद्यालय के छात्र शिवाजी पटेल की दुर्भाग्यपूर्ण असमय मृत्यु पर दुखी मन से परिवार के प्रति भी संवेदना व्यक्त करते हुए निष्पक्ष जाँच की मांग करते हैं। श्रीमान जी, जैसा कि आपको ध्यान है, कतिपय राजनीतिक नेताओं द्वारा द्वेषपूर्ण ढंग से छात्र की मृत्यु पर राजनीति गर्मा कर जाँच को प्रभावित कर भ्रमित करने की कारगुजारी की जा रही है। अब हालात यह है कि इस दुखद घटना पर विद्यालय भावसा भस्कुटे स्मृति लोक न्यास व विद्या भारती के कार्यकर्ताओं से अर्थात एक शिक्षक नरेश एवं प्रबंधक अनिल जी अग्रवाल पर निराधार अनर्गल आरोप लगाने के घृणित प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे विद्यालय के सैकड़ों निरपराध छात्र व पालक शैक्षिक व मानसिक प्रताड़ना का शिकार हो रहे हैं। पुलिस पर दबाव बनाने के लिए हथकंडों के उपयोग की हम कड़ी निंदा करते हैं। श्रीमान जी, हम सभी ज्ञापनकर्ता पूरे मामले की बिना दबाव निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं। श्रीमान जी, और जैसा कि आपको ध्यान है कि अभी छात्रों की बोर्ड परीक्षाएं भी एकदम सामने हैं, लेकिन जिस तरह से भाई साहब की जो स्थिति है, अनिल जी की, या फिर जो शिक्षक की स्थिति है, उसके परिवार की स्थिति देखें, पिताजी पैरालाइज पड़े हुए हैं, एक 2-4 महीने का छोटा सा बच्चा है और उसका तो छात्रावास से भी कोई लेना देना नहीं था, सीधा आके और पढ़ा के चला जाता था। भाई साहब का भी छात्रों से कोई सीधा संवाद नहीं होता था, अनिल जी का, और इस तरह के अनर्गल आरोप में मामला बन गया। अनुसंधान हो रहा है, जैसा आएगा वो बयान कार्रवाई होगी।